लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने वल्लभ भवन में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी सकारात्मक सोच के साथ प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करें, कार्यों के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाएं और समय पर पूरा करें। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में 1 लाख किलोमीटर सड़कें बनेंगी, साथ ही भोपाल में 8 लाइन एलिवेटेड लेक कॉरिडोर बनाया जाएगा और पश्चिमी भोपाल बाईपास का निर्माण किया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं पर लगभग 3,000 करोड़ का निवेश होगा। इस मौके पर मंत्री राकेश सिंह ने लोक निर्माण विभाग की SOR और विभागीय हैंडबुक का विमोचन किया। यह लोक निर्माण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध है।